हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर नंबर थर्ड, ठीक है। तो इसके पहले की दो वीडियो में हमने सर एक बहुत ही बेसिक से हमने बातें करी कि सर एग्जैक्टली हमारा ये सर ईएम वेव है ना, हमने मतलब एक बहुत ही हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री देखा, बहुत ही शॉर्ट टाइम हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री देखा कि कैसे क्या चीजें हुई, कैसे क्या हमारे स्पेक्ट्रम क्या थे, कैसे लोगों ने मतलब लोगों ने नहीं साइंटिस्ट ने कैसे क्या किया है ना। तो फाइनली हमारे पे साइंटिस्ट मैक्सवेल आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, आप जो इन सभी चीजों का आप अलग अलग मत बोलिए, जो भी चीजें हैं जितनी भी हमारी जो वेव है उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं सर, उन सभी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। वो चाहे हमारी अल्फा रेज नहीं, वो चाहे हमारी गामा रेज हो, चाहे एक्स रेज हो, चाहे यूवी हो है ना, वो चाहे हमारी सेवन कलर्स हो जिसको हम विप्योर के नाम से जानते हैं, तो सबको उन्होंने क्या दिया सर, ये हमारी एक ईएम वेव होती है। और इसके बेसिस पे उन्होंने काफी चीजें कहा कि भाई कोई भी अगर हम ईएम वेव बेसिकली हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो अगर कोई भी अगर एक चार्ज पार्टिकल जो कि हम लोगों ने इसके पिछले वाले जस्ट लेक्चर में देखा था, जो कि हमने कहा था सर मैक्सवेल सॉरी ये कौन सा था हमारा एम्पियर मैक्सवेल जो सर्किटल लॉ था ना, तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया था। देखो जो आया था ना ये चीज ये आया था ना, तो उन्होंने ये कहा कि बी डॉट जो हमारा डीएल मिलता था वो हमें क्या मिलता था, तो देखो हमने ये कहा था ना म्यू नॉट और म्यू नॉट आईसी कंडक्शन करेंट और प्लस प्लस फिर उन्होंने यहाँ से क्या निकाला था म्यू नॉट और आईसी, आईसी हमारा क्या होता था कंडक्शन करेंट, और इसकी देखो वैल्यू हमने क्या निकाली थी, इस आईसी की वैल्यू हमने निकाली थी डीडीटी ऑफ क्या किया था हमने चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मींस फाई ई है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अब आपको पता है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप बेसिकली क्या लिखते हो, फाई ई को आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो ई इंटू ए, ये लिखते हो ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चेंज करें है ना, चेंज मतलब डी डी ऐसे समझो डी ई, देखो कितने बड़े मतलब क्या जीनियस सोच था इन्होंने, कहा कि अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, देखो ये जो है ये को बाहर है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसके बेसिस पे सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉरी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज हो रहा है, तो सर इसके बेसिस पे हम हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी, और वहां से हम क्या हमने क्या स्टार्ट करी, वहां से हमने स्टार्ट करी ईएम वेव, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये इन्होंने बता दिया, मतलब कुछ सुधार किया इन्होंने। तो अब देखो ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं इक्वेशन पर मतलब एम्पियर सर्किट लॉ पर ही इनकी नजर पड़ी, इन्होंने सभी इक्वेशन को बारी बारी से चेक किया है ना, बट बाय द वे सारे के सारे इक्वेशन जो है सही निकले। तो इस पर्टिकुलर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि मैक्सवेल फोर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। देखो फोर इक्वेशन कहने का सीन क्या है ना, कि वो फोर इक्वेशन इन्होंने नहीं बताया, उस फोर इक्वेशन के बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली जो भी हम मतलब आप स्टार्टिंग चैप्टर से लेकर के अब तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सारे फॉर्मूलों को हम इन फोर इक्वेशन के हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं, मतलब ये हमारे बेसिक फोर फॉर्मूले हैं, इनके हेल्प से हम सारी चीजों को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर फर्स्ट में आपने वो पढ़ा था गॉस लॉ है ना, वो पढ़ा था आपने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, फिर आपने फिर जब आप ये ईएमआई वाले चैप्टर में है तो आपने मतलब इस वाले चैप्टर में आपने ये फैराडेज का जो लॉ था उन्होंने उसको आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चार इक्वेशंस की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि चलो बताओ मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है, और उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट वाला, दैट मींस एम्पियर एंड मैक्सवेल जो हमने जो सर्किटल लॉ हमने जो पढ़ा था ना किस तरीके से उन्होंने करेक्शन किया था, ठीक है, एम्पियर्स लॉ में, तो हम वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, तो आपको ये लेक्चर जो है ध्यान से देखना समझना है, चीजों को आप जो है नोट्स जाकर के डिक्शनरी वर्क डाउनलोड कर सकते हो, बट उसके पहले आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। देखो क्या चीज है, देखो तो आप हेडिंग लगा लो क्या, मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। बेसिकली उन्होंने फोर इक्वेशन दिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल फोर इक्वेशन पर वर्क किया, बहुत सारी इक्वेशन पर उन्होंने वर्क किया, कहा जाता है लगभग 20 से ज्यादा इक्वेशन पर वर्क किया, और उन 20 इक्वेशंस में से उन्होंने केवल चार इक्वेशन को सिलेक्ट किया, और उन इक्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो भी प्रॉपर्टी है हम इन चार इक्वेशंस के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यानी कि हमने ये कह दिया कि ऑल द बेसिक प्रॉपर्टी, ध्यान से समझते चलो, ऑल द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन्ड बाई बाई दिस बाई दीज फोर इक्वेशन। देखो इन इक्वेशंस में से मोस्टली इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो कहने का सीन क्या है
कि ऐसा नहीं है कि आप ये जो भी इक्वेशन देखोगे उनको मैक्सवेल ने डिराइव किया, नहीं, इन इक्वेशंस को आप पहले भी पढ़ चुके हो। नाउ फर्स्ट देखो, हम बात करते हैं फर्स्ट, हमारी जो फर्स्ट मैक्सवेल ने जो अपना जो फर्स्ट इक्वेशन दिया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो उन्होंने दिया, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ, जैसा कि गॉस लॉ, फर्स्ट लॉ को अगर आप छोड़ दो तो आप ये जानते हो ना, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली देखो क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज क्यू। ठीक है, पर्टिकुलर हम किसी क्लोज सरफेस की हम बात करते थे, पर्टिकुलर किसी क्लोज सरफेस में जितना भी हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो हमने ये कहा कि यहाँ से, दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता था, हमने ये कहा कि क्लोज इंटीग्रल ना, तो हम इसकी बात करते थे, क्लोज सरफेस की बात करते थे, किसी क्लोज सरफेस की बात करते थे, तो हमने कहा कि E और इनटू dA, मान लो कि हमने कोई भी एक 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 हाइपोथेटिकल हमने सरफेस लिया है और उसका एरिया कितना है, ए है, तो ये देखो क्या होता था, इज इक्वल टू क्या होता था, हम ये कहते थे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो अब ये जो हमारी फर्स्ट लॉ है, यानी कि मैक्सवेल की ये जो फर्स्ट जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन से हमें यहाँ से इन्होंने मतलब क्या कहा, ये इक्वेशन बेसिकली हमारा क्या शो करता है, ये कहता है कि अगर पर्टिकुलर किसी भी, मतलब ऐसे समझो कि अगर चार्ज है, ये इक्वेशन हमारा क्या शो करता है, ये इक्वेशन हमारा ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले हमें, हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर अगर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट कराना है तो उसके लिए हमारे पास एक चार्ज होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चार्ज है, और अगर चार्ज है तो मस्ट है कि क्या होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम ऐसा क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, हमने कहा कि अच्छा चार्ज है, चार्ज हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है पर्टिकुलर किसी इनक्लोज सरफेस से, तो मस्ट है कि वहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। हम ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसा ऐसा, मतलब हम ऐसा पूछ भी नहीं सकते, मतलब समझ रहे हो इस चीज को, आप थोड़ा सा फील करो। हमने कहा सर कि अगर चार्ज है, क्यू है, तो मस्ट है कि वहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज हमारी क्या होगी, एज अ एक सोर्स, चार्ज हमारी एज अ एक सोर्स की तरह काम करेगी। अच्छा ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन है, ये हमारे दोनों चीजों के लिए वैलिड है, एज वेल एज अगर हम बात करें स्टैटिक चार्ज के लिए और मूवेबल चार्ज के लिए, ये दोनों के लिए, ये मैक्सवेल ने बताया कि स्टैटिक चार्ज के लिए और ये मूवेबल चार्ज के लिए, ये दोनों के लिए जो है मतलब वैलिड है। ठीक है, पहली चीज यहां से आपको ये समझ में आई। अच्छा दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि देखो, अगर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर मस्ट है कि क्या होगा, एक चार्ज होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कोई भी अगर इनमें से अगर कोई भी अगर एक चीज होगी तो मस्ट है कि वहां पर हमारा चार्ज भी होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा अब डिपेंड करता है कि चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी, यही हमारा जो है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन यही बताता है, बस और कुछ भी नहीं, उन्होंने बस इसको एक्सप्लेन किया। समझ रहे हो? देखो सेम वही बात मैंने लिख दी। ठीक है, कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट देन देयर इज मस्ट अ चार्ज, मस्ट है कि भाई वहां पर एक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ मतलब वो किसके थ्रू क्रिएट हुआ हुआ होगा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू क्रिएट हुआ, एक चार्ज के थ्रू क्रिएट हुआ होगा। दूसरी चीज, इफ देयर इज इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वो क्या क्रिएट कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, ईएफ, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा होगा। यही हमारा मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बात आपको समझ में आई? बताओ बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट है क्या? कितना आसान सा, ये सिंपल सा टर्म हम बस यूज कर रहे हैं, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से हम एक नई नई बात सीख रहे हैं, शायद ये चीज हमने पहले पिछले वाले टॉपिक में शायद हमने नहीं पढ़ा था, देखो आप जाकर के वहां से, है ना, आ रही बात समझ में ना। दूसरा जो मैक्सवेल का जो सेकेंड इक्वेशन है, उन्होंने सेलेक्ट किया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, शायद आपने ये भी पढ़ा होगा, पढ़ा ही हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, गॉस लॉ, गॉस, शायद इसका 12th में शायद कहीं है नहीं, बट देख लेते हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब गॉस ने जो है, अभी तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड उन्होंने चीजें दी, फिर उन्होंने कहा कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि अगर हम ये कहें कि अगर हमारा कोई भी अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स,
हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू अगर हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू अगर लेंगे, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स और पर्टिकुलर उस एरिया का जो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या मिलेगा, एज अ जीरो। क्या मतलब हो गया सर ये? सर थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को, नहीं थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? देखो इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, बात समझो थोड़ी सी, हम यहाँ पे ये चीज पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, दैट मीन्स अगर हम एक क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, है ना, क्लोज सरफेस। अभी ये क्लोज सरफेस समझाते हैं आपको। देखो क्या है ये चीज, आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो, हमें क्लोज सरफेस की बात करें, यहाँ पर आप ए लो चाहे एस लो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमने कहा कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, दैट मीन्स डीएस, बी डॉट डीएस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। देखो कहने का मतलब है कि जैसे आपने मैग्नेट देखा है, ठीक है, तो क्या होता है, ये मान लो हमारी नॉर्थ पोल होती है, हमारी साउथ पोल होती है, मैग्नेटिक हमारी जो फील्ड लाइन होती है वो कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। तो इनके थ्रू हमारा जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ, ठीक है, एक अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें, देखो जैसे कि हमारा ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की तो क्या हो जाएगी, जीरो। देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और निकल करके आया, कहने का देखो सीन क्या है ना, अभी थोड़ा सा समझो आप। जैसे आप ये कह रहे हो ना कि हमारी क्या, ये हमारी एक क्लोज्ड फील्ड लाइन है, तो क्लोज्ड फील्ड लाइन के थ्रू हमारी कोई भी मैग्नेटिक, हमारी जो क्या कह सकते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, मतलब क्लोज्ड फील्ड लाइन के थ्रू हमारी कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगी। मतलब कि अगर हम तो अगर हम देखो कहने का सीन क्या है कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात और सामने निकल करके आई कि हमारे मैग्नेट में जो हमारे जो पोल होते हैं ना, दैट मीन्स एन नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होते हैं, हम उनको फर्दर अलग नहीं कर सकते। कहने का सीन क्या है कि मैग्नेट को आप काटो, ठीक है, तो काटोगे तो क्या होगा, एक और नॉर्थ पोल एक और साउथ पोल हो जाएगा। आप इस वाले पोर्शन को फिर से काटो, ये आपने जो छोटा सा जो आपको जो एक मैग्नेट का एक पार्ट मिला, आप इसको फिर से काटो, तो फिर से आप काटोगे तो फिर से एक नॉर्थ पोल और फिर से एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है, मतलब ये लॉ हमारा ये भी बताता है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल जो हमारे जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। आइसोलेटेड का मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल आपका अलग हो जाए और साउथ पोल आपका अलग हो जाए, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे जो है प्लस चार्जेस हमारे अलग होते हैं, माइनस चार्ज अलग होती है, होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज अलग होती है और मैग्नेटिक फील्ड में हम जो है नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। नाउ जो थर्ड मैक्सवेल जो इक्वेशन है उन्होंने लिया है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको पता है कि फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है, कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चेंज करो तो वहां से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होती है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्होंने ये बताया था। अच्छा, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि आपको शायद याद होना चाहिए, जो कि डायरेक्टली पूछता भी है। उन्होंने कहा कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन ए क्लोज्ड सर्किट, ए क्लोज्ड सर्किट जो हम सर्किट जो बनाते हैं, जैसे दैट मींस जो आप जो बाइंडिंग वाला आपने जो काम देखा होगा, ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ईएमआई में वाले चैप्टर में। द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता था, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, यानी कि वो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होना चाहिए वो किससे लिंक होना चाहिए, हमारे एक क्लोज सर्किट से, फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सर्किट, मतलब जो फ्लक्स है ना वो हमारी उस क्लोज सर्फेस से ही होकर के जानी चाहिए। अच्छा, तो दैट मींस हमने ये कहा था, क्या कहा था, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट मींस ई इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। डी फाई बी डी टी का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो फाई बी है और वहां पे हमने फर्स्ट वाले में लिया था या फिर अभी हम अभी नेक्स्ट वाले में हम बात करेंगे फाइव बी की, यानी कि हमने जो पिछले वाले हमने जो वीडियो में हमने डिस्कस करा था फाइव ई, और यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, फिर आपने फाइव बी का आपने एक फॉर्मूला देखा था, क्या होता था सर, फाइव बी इज इक्वल टू क्या होता था, जिसको आपने कहा सर बी ए, है ना, और फाइव फाइव
ई का हमने एक फॉर्मूला देखा था, ई ए नहीं देखो ये चीज ना, बट फिलहाल अभी हम इसकी बात नहीं करते। तो 5 इज इक्वल टू हमने कहा सर बी इंटू ए। अच्छा क्या होगा अगर हम इसमें रख दे, चलो देखो रख। अच्छा यहाँ पे इस चीज को हम और देखो ऐसे भी लिख सकते थे क्या, दैट मीन्स इस ई को, ये जो हमारी ई एम एफ जो इंड्यूस्ड हुई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ ई इंटू डी एल इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ, देखो इस 5 ई की जगह हम क्या रख दें बी और ए को बाहर रख लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है देखो, डी बी डी बी अपॉन डी डी, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स हमारा ये क्या, ये हमारा क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब है कि बताइए समझ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही तो बताया ना फैराडेज ने, ठीक है ओके। अच्छा यहां से अगर आप चाहो, ठीक है बस फिलहाल इतनी बात है, मैं याद रखनी क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होगा वो क्या क्रिएट करेगा, एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हमें करंट मिलेगा, सिंपल। नाउ लास्ट इक्वेशन देखते हैं, एम्पियर मैक्सवेल सर्किट, इस चीज को मिटा दिया जाए, आपने कर लिया नो डाउन, ठीक है। नाउ हम लोग फर्स्ट अपने सॉरी इस फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं, मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है। तो एम्पियर्स लॉ में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया और इस लॉ के बेसिस पे फाइनली वो प्रूव कर पाए कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है चेंज करते हैं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, जहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा वहां पर मस्ट है कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होगा। ये जो उनका जो मैक्सवेल का ये जो फोर्थ इक्वेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पर सारी की सारी चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई देखो। और इस बेसिस पर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो लाइट है वो हमारी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें हमारे उस लाइट, मतलब अगर देखो एज अ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो वहां पर क्या होगा भाई, जैसा कि हमने पढ़ा ना फर्स्ट वाले लॉ से, जो फर्स्ट लॉ था भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इस बेसिस पे फिर वो उन्होंने ग्राफ बनाया कि भाई हमारे उस चार्ज पार्टिकल के साथ हमारी दो फील्ड ट्रेवल करेंगी, एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक हमारी, अभी हम ये डिस्कस करेंगे फिलहाल इस वीडियो में या मे बी नेक्स्ट वीडियो में बात डिस्कस करेंगे, बट जल्दी आपकी सारी सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। देखो तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया, मतलब पहले तो हम ये देख लें कि एम्पियर्स लॉ बेसिकली था क्या। देखो तो एम्पियर्स ने पहले तो ये बताया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द टोटल करंट, दैट मींस कि अगर हम कोई एक क्लोज सर्किट अगर हम लेते हैं, ठीक है हम उसका अगर लाइन इंटीग्रल लें, दैट मींस बी डॉट अगर हम उसका डीएल करते हैं, तो इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा म्यू नॉट आई। लेकिन मैक्सवेल में ये जो मैक्सवेल थे, तो इन्होंने इस चीज में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट किया, इसके इनके स्टेटमेंट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, और इन्होंने ये कहा कि नहीं इज इक्वल टू म्यू टाइम द टोटल करंट। अब ये टोटल करंट का देखो मतलब क्या उन्होंने कहा, टोटल करंट का मतलब कहा कि हमारी जो होगी ना वो सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट हमने देख लिया ना पिछले वाले वीडियो में, डिस्प्लेसमेंट करंट ये उन्होंने कहा। तो दैट मीन्स इस आई के जगह हम केवल आई ना रखेंगे, क्या रखेंगे, आई सी प्लस आई टी। फर्दर आप इसको अगर अलग अलग करो तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि म्यू नॉट आई सी और प्लस म्यू नॉट आई डी, और वेयर आपको आई डी पता है, फिर से आप अगर यहाँ पर रखोगे वैल्यू आई डी की, तो आप ये कहोगे कि म्यू नॉट, और आई डी का मतलब आपने कहा था क्या कि एप्सिलॉन जीरो और डी फाई ई अपॉन डी टी, और आपको पता है सर कि फाइ ई का मतलब क्या होता है, ई ए, तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं ये, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो और डी डी टी, और इस फाइ ई की जगह हमने क्या रख दिया, ई ए, तो ई और ए को हम थोड़ा सा रख लेते हैं बाहर, तो देखो ये दैट मीन्स क्या, ये आपका डी अपॉन डी टी क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो सर इस चेंज की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। या फिर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चेंज करा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से क्या क्रिएट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है बन सकता है। तो यहीं से उनको आइडिया आया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। समझ में आ रही बात? नाउ अब अगर आप यहां से, अब अगर आप देखो यहां से अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे तो अब आप कह सकते हो हाँ सर हमें सर फाइनली जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ रहा है, ये वेव इस तरीके से क्यों बन रहा है अब हमें ये भी समझ में आ रहा है। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और हाँ ये जरूर अपना फीडबैक दे देना कि आपको ये सब सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। ओके चलो बच्चे।